ब्रज की पावन भूमि पर कणकण में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का निवास है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियाँ किस्से आसानी से सुनने को मिल जाएंगे। कहते हैं ब्रजवासी जानते हैं कि कृष्ण के महत्व को, वो हमेशा एक दूसरे से कृष्ण की बोली मीठी ब्रजभाषा में बात करते हैं तो उनकी कहानियों के बारे में भी जिक्र करते हैं। यमुना किनारे मथुरा के पास गोकुल धाम में मैं हूँ और गोकुल धाम में एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा वृक्ष है जिसकी कहानियाँ सदियों से लगातार एक दूसरे को लोग सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वृक्ष जिसे आप देख रहे होंगे, कहा जाता है कि इसकी उम्र करीब 6000 साल है और यहीं पर बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग दूर दराज से आकर मनोकामनाएँ मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चुन्नियाँ बांध कर भगवान श्री कृष्ण उनकी मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो वो इन चुन्नियों को खोल देते हैं। तो मेरे साथ यहाँ के महंत हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा के तहत लोग क्या मान्यता रखते हैं और कब आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ कार्तिक महीना में विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ भाई बीच भैया दोज के दिन यम द्वितीया का स्नान करने से यम के द्वारे नहीं जाया जाता है, उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो लोग जो हैं वो कार्तिक के महीने में यहाँ पर, कार्तिक महीने में दीपावली आती है, फिर पड़वा दौज आती है, दौज के दिन यहाँ स्नान करने का बहुत ही विशेष, बहन भाई हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करते हैं तो उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो ब्रज की भूमि में कणकण में कृष्ण है, कणकण में भगवान कृष्ण का निवास है। यहाँ पर हर जगह आपको कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ सुनने में मिलती हैं और कहते हैं कि ब्रज में आए हैं, ब्रज में जिए हैं, ब्रज में सुने हैं तो हमेशा ब्रज बोली में, ब्रज की बोली में आपको यहाँ पर कृष्ण ही नज़र आएंगे। ब्रज की भाषा ही आपको प्रेम सिखाती है और कृष्ण की ज़ुबानी आपको वो अपने आप में अध्यात्म की तरफ रुझान कराती है।